नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं स्वाति। अगली खबर है रीवा जिले से, जहां पशु क्रूरता की घटनाएं थम नहीं रही हैं। टोन्स हाइडल कारपोरेशन की नहर में एक सैकड़ा से अधिक मवेशियों को धकेल दिया गया। जानकारी मिलने पर आसपास के कुछ लोग मवेशियों को बचाने पहुंचे, लेकिन सफल नहीं हुए। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है, लेकिन शुक्रवार को बाहर निकालने की बात कही गई थी, लेकिन मवेशी गहराई में है, इस कारण उन्हें बाहर करना मुश्किल हो रहा है। पहले भी कई बार नहरों में मवेशियों को धकेला गया है, जहां मौत भी हो चुकी है। पूरे मामले को लेकर आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने शासन प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से बेरहमी से जानवरों को नहर में धकेला गया है और शिवानंद द्विवेदी का क्या कहना है। रीवा जिले के एक बकिया बराज नहर है, जो सिरमौर और सिमरिया क्षेत्र से होकर गुजरती है। बकिया बराज नहर बेसिकली सतना से आती है और ये एक THC प्लांट है, पावर प्लांट है, वहाँ से होते हुए बिजली का उत्पादन होता है, गुजरती है। बकिया बराज नहर में कुछ हथियारों के द्वारा, जो असामाजिक तत्व हैं, जो कसाई किस्म के लोग हैं, उनके द्वारा लगभग 100 की संख्या में गौवंशों को, जिसमें से बहुतायत में गाय हैं, जो कई गाभिन भी हैं जिनके पेट में बच्चे हैं, उनको लगभग 25-30 फीट गहरी नहर के बीच में धकेल दिया गया है। उन गायों का जीवन संकट में बना हुआ है, यह जानकारी TSC पावर प्लांट के एक वहां पे कर्मचारी हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। और इसके बारे में संबंधित जिला कलेक्टर, जिला SP रीवा, इनको मनोज पुष्प जो कलेक्टर हैं और SP जो नवनीत भसीन हैं, उनको दे दी गई है, उनके व्हाट्सएप में जानकारी भेज दी गई है। और साथ में अन्य जो भी गायों के लिए काम करने वाले लोग हैं, गोवंशों के लिए, उनको भी सर्कुलेट कर दिया गया है। ये बेहद चिंताजनक बात है और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब इस बकिया बराज नहर में इन गोवंशों को धकेला गया है और उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही उस नहर प्रशासन की है, जो इसके चारों तरफ फेंसिंग की व्यवस्था नहीं किया है, क्योंकि यदि फेंसिंग की या वॉल प्रोटेक्शन वॉल टाइप का होता, उसमें ये सीधे नहीं धकेल सकते थे, एक नंबर की बात। और दूसरी बात यह है कि जो जिला प्रशासन है, चाहे वो सतना का हो चाहे रीवा का हो, यह पूरी तरह से असफल रहा है इनके ऊपर कार्यवाही करने में। आज तक इनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जबकि मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत इनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। और जहाँ तक सवाल सरकार का है, तो भाजपा की सरकार है, केंद्र और राज्य में हमेशा ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, या बैठ कर आराम से देखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं के आदमी ये काम कर रहे हैं और इन्हें बड़ी खुशी होती है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूँ कि आखिर आप गौवंशों के लिए क्या कर रहे हैं, आपको जनता के सामने बताना चाहिए। गौवंश सड़कों पर, खेतों पर, हर जगह हमारे फिर रहे हैं, नहरों में, घाटियों में धकेल दिए जा रहे हैं, यह बहुत ही चिंतनीय बात है और इसके लिए ये जो बेजुबान हैं आपको माफ़ नहीं करेंगे।